अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंस्टाग्राम फीचर्स एंड अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपको इंस्टाग्राम में नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है। हाय एवरीवन, मैं हूँ शाहिद, वेलकम है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। अभी के टाइम पे तो इंस्टाग्राम हर कोई इस्तेमाल करता है, कोई पोस्ट करने के लिए करता है तो कोई देखने के लिए करता है। और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी अपडेट्स बताऊंगा, जितने भी फीचर्स बताऊंगा वो एकदम नया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी अपडेट्स एंड फीचर्स के बारे में बताऊंगा वो एकदम नया है। तो अगर अभी तक आपके इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो जाके करवा लो, प्ले स्टोर पे जाओ और इंस्टाग्राम अपडेट कर लो। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके नीचे लिंक है, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारा फर्स्ट अपडेट की तरफ। जब आप घर में हो और उसी टाइम आपके इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन बार में दिखने लगता है, तो कोई भी बंदा आपके मैसेज पढ़ सकता है। इसीलिए इंस्टाग्राम पे एक फीचर्स आया हुआ है जिसके मदद से आप लोग मैसेज कर सकते हो, लेकिन कोई भी बंदा देख नहीं पाएगा। जब तक वो बंदा अपने इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगा और अपने चैट सेक्शन पे नहीं जाएगा तब तक वो आपके मैसेज पढ़ नहीं पाएगा। तो ये बहुत सेफ भी है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली क्या करना है, जिस भी बंदे को आप लोग मैसेज कर रहे हो उसको @silent लिख के जो भी मैसेज आप लोग भेजना चाहते हो उसे टाइप करो और सेंड कर दो, तो वो नोटिफिकेशन बार में शो नहीं करेगा। जब तक वो बंदा इंस्टाग्राम पे जाके इंस्टाग्राम ओपन ना करे तब तक उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं आएगा। तो अभी चलते हैं हमारा सेकेंड फीचर्स एंड अपडेट की तरफ। खास करके मुझे ये फीचर्स बहुत ज्यादा कमाल के लगा है। कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते करते उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम के अंदर एक फीचर्स दिया हुआ है जिसके मदद से आप लोग आपके बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको खुद नोट करेगा कि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब इंस्टाग्राम से निकल जाओ। आपको इंस्टाग्राम पे रिमाइंडर का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो आप कितने देर इंस्टाग्राम पे स्पेंड करना चाहते हो। अगर 1 घंटा स्पेंड करना चाहते हो तो यहाँ रिमाइंडर पे 1 घंटा लगा दो, अगर 2 घंटा चाहते हो तो 2 घंटा लगा दो। जितने भी टाइम आप लगाओगे वो टाइम इंस्टाग्राम के अंदर स्पेंड होने के बाद इंस्टाग्राम आपको खुद बताएगा कि आपका टाइम कवर हो चुका है, आप इंस्टाग्राम से निकल जाओ। इसके लिए आप लोग को 3 डॉट पे चला जाना है, उसके बाद योर एक्टिविटी का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद पहला जो ऑप्शन है टाइम स्पेंड का, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डेली एवरेज टाइम स्पेंड है वो 2 घंटा 3 मिनट है। तो इस तरह से आप खुद का भी देख सकते हो और यहाँ पे मैं हाईएस्ट कितना टाइम स्पेंड किया, लोएस्ट कितना किया, सब एवरेज यहाँ पे एनालिटिक्स पे शो हो जाएगा। और यहाँ से नीचे आप लोग सेट डेली टाइम लिमिट पे क्लिक करके यहाँ से टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हो। आप अगर 1 घंटा सेट करते हो, 1 घंटा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के बाद इंस्टाग्राम आपको खुद बोलेगा कि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब अभी इंस्टाग्राम से निकल जाओ। तो ये फीचर्स भी मुझे बहुत कमाल का लगा। पहले आपको अगर किसी भी पोस्ट को किसी को शेयर करना होता तो शेयर बटन पे क्लिक करके उसका अकाउंट को सर्च करके आपको शेयर करना होता था, लेकिन अभी सब कुछ इजी हो चुका है। अभी शेयर करने के लिए आपको जस्ट शेयर बटन पे लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपके सामने 4 अकाउंट आ जाएगा। जिन चारों से आप सबसे ज़्यादा बात करते हो वही 4 अकाउंट आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। अब यहाँ से किसी को भी इस तरह से पोस्ट शेयर कर सकते हो। ये फीचर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का लगा। आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अब चलते हैं हमारा चौथी अपडेट की तरफ, जो कि एक कमाल के फीचर्स लगा मुझे। अब बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जिनका पोस्ट आप मिस नहीं करना चाहते हो, जिनका हर पोस्ट आप देखना चाहते हो, लेकिन इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा इधर उधर का पोस्ट के वजह से वो सारे पोस्ट आपको मिस हो जाता है। इसके लिए इंस्टाग्राम पे एक फीचर्स आया है, ये एकदम 2018 का न्यू अपडेट है, जिसके मदद से आप लोग जिस बंदे को फॉलो करते हो सिर्फ उसी का पोस्ट आप देख सकते हो, आपको एक भी पोस्ट नहीं मिस होगा। अब जिस बंदे का पोस्ट मिस नहीं करना चाहते हो उसका कोई भी पोस्ट आपसे मिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ आपके पास सिर्फ उस बंदे का ही पोस्ट आएगा। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के होम पेज पे चले आना है और आप लोगों को ऊपर दिख रहा है इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, आप लोगों को नॉर्मली उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुका है, एक फॉलोइंग का ऑप्शन, एक फेवरेट का ऑप्शन। आप अगर फॉलोइंग का ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिर्फ उस बंदे ही रहेगा जिसको आप फॉलो कर रखे हो, बाकी उसके अलावा और किसी का भी पोस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। और आप अगर फेवरेट ऑप्शन पे जाते हो तो आप जिन क्रिएटर को बहुत पसंद करते हो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे ऐड फेवरेट पे क्लिक करके उन लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलिए चलते हैं हमारा लास्ट अपडेट की तरफ। अब जितने दिन से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो उतने दिन से आप जो पोस्ट को भी लाइक किया, कमेंट किया, जिसके स्टोरी पे भी रिप्लाई दिया वो सारे आप लोग एक ही जगह पे देख सकते हो। तो उससे देखने के लिए इंस्टाग्राम पे एक फीचर्स आया है जिसके मदद से आप लोग एक ही जगह पे जाके फर्स्ट टू लास्ट जितने भी पोस्ट को आप लोग लाइक किया, कमेंट किया एंड जिन लोगों के स्टोरी रिप्लाई किया सब आप लोग देख सकते हो। तो उसको करने के लिए आप लोग को इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। उसके लिए पहले तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर पे योर एक्टिविटी का ऑप्शन है, नॉर्मली इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आप लोगों को 3rd नंबर पे इंटरेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले जाना है।
यहाँ पे देख सकते हो कमेंट लाइक एंड स्टोरी रिप्लाई का ऑप्शन है। अब यहाँ से अगर कमेंट देखना चाहते हो तो कमेंट पे क्लिक करो। अब आज तक जितने भी लोगों को कमेंट किया सब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब अगर लाइक्स देखना चाहते हो तो लाइक्स पे चले जाओ। आज तक अब जितने भी वीडियो एंड फोटो को लाइक किया सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो, लगा के आपके वीडियो या फोटो को ढूंढ सकते हो। इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।